नेक्स्ट है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो सिंपल, दो पार्टी आपस में अग्रीमेंट करती है, अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इन ऑर्डर टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन अंडर अ सील। ठीक है, सील मतलब यहाँ पे सिग्नेचर एंड ऑल कर रहे हो, फॉर अ कंसिडरेशन एंड फोर्सेबल बाय लॉ, है ना। हमने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से समझा था। ठीक है, नेक्स्ट कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? कन्विक्शन मतलब होता है बच्चों दोषी। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलूं? गिल्टी पर्सन। ठीक है, कन्विक्शन क्या बोला है? आ जाओ, टू बी फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग क्राइम, जिसने भी क्राइम किया है दैट इज, है ना, कन्विक्शन। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब जो खर्चा होता है बच्चों, एक्सपेंस प्रोसिक्यूटिंग और डिफेंडिंग अ केस। कॉस्ट मतलब खर्चा, लेकिन लीगल वर्ड में हम क्या बोलेंगे कि केस चल रहा है, केस का खर्चा। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर? एक्सपेंसेस जो भी आपके लगते हैं प्रोसिक्यूटिंग मतलब केस से डील करने के, डिफेंडिंग अ केस इन अ कोर्ट, यूजुअली डज नॉट इंक्लूड अ अटर्नी फीस। अटर्नी कौन होता है बच्चों? जनरली मैंने बताया तो लॉयर ही होता है ना, जनरली लॉयर लॉयर, होता है। यस मैम। तो अटर्नी की फीस, है ना, इन्होंने बोला लॉयर की फीस इसमें इंक्लूड नहीं होती है, बाकी उसको छोड़कर बाकी सब जितने भी खर्चे लगते हैं दैट वॉज कोर्ट का कॉस्ट। ठीक है, चलिए। देन हेडिंग क्या है बच्चों? कवर नोट और डॉक्यूमेंट इश्यू बाय द इंश्योरेंस कंपनी। कवर, इंश्योरेंस कंपनी पूरा लिख कर देती है कि हमने आपका जो इंश्योरेंस करवाया है हम उसमें क्या क्या चीजें कवर करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे हम आपकी दुकान कवर कर लेंगे, हम आपकी दुकान के माल को कवर कर लेंगे, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो कवर नोट में जो जो कवर हो, डॉक्यूमेंट इश्यू बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड कवर टू द इंश्योर टिल द फॉर्मल पॉलिसी, जो डॉक्यूमेंट में आपने डिसाइड कर रखे। क्लियर बच्चा? चले, यस मैम। क्रेडिट क्या है? सिंपल बच्चों, बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट होता क्या है? हम जो पेमेंट को लेके जो क्रेडिट बोलते हैं, क्रेडिट वर्ड का है ना इजाद कहाँ से हुआ? लिटरली अगर मीनिंग देखे, लिटरली मतलब कि इंग्लिश मीनिंग देखे तो क्रेडिट मतलब होता है ट्रस्ट, बिलीफ। हम आप पे भरोसा कर रहे हैं तभी तो क्रेडिट दे रहे। क्रेडिट का मतलब हमने समझा उधार देना। ठीक है, लेकिन यस इंग्लिश मैम। मीनिंग जाओगे तो हम भरोसा करते हैं आप पे, आपको क्रेडिट दे रहे हैं, हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, जाओ पैसे लेकर जाओ। ठीक है, इन कॉमर्स, कॉमर्स लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रस्ट होता है, कॉमर्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मीन्स गिविंग गुड्स द पेमेंट फॉर विच मेड इन सब्सिक्वेंट डेट। हम अभी गुड्स आपको उधारी में दे रहे हैं, कॉमर्स में बोलते हैं, इंग्लिश में इसका मतलब होता है ट्रस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? यस मैम। चलिए, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट डॉक्यूमेंट सेंड बाय द सेलर टू द बायर। डॉक्यूमेंट कौन दे रहा है बच्चों? सेलर दे रहा है डॉक्यूमेंट, सेलर दे रहा है बायर को। बायर को क्या बोल रहा है? भैया रेक्टिफाई कर लो, एरर एरर हो गई है, गलतियां हो गई, ओवर चार्ज हो गया इन द इनवॉइस, बिल में ज्यादा ज्यादा पैसा लिख दिया, उसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इट इज एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्रेडिट नोट एक नीचे चलकर बच्चों, है ना, एक क्रेडिट नोट है ऐसे ही अलग से आएगा और आएगा, देखेंगे आगे चल के आएगा। ठीक है, डेबिट नोट नीचे आएगा। यस, ये था डेबिट नोट। क्रेडिट नोट कौन दे रहा है बच्चों? क्रेडिट नोट कौन दे रहा है? सेलर दे रहा है। डेबिट, डेबिट नोट कौन दे रहा है? ये भी सेलर दे रहा है। लेकिन क्रेडिट नोट क्यों दे रहा है? सेलर को लग रहा है उसने ओवरचार्ज कर दिया, मतलब ज्यादा पैसे ले लिए। डेबिट नोट क्या बोलता है? उसने कम पैसे ले लिए, अंडर चार्ज कर दिया। अंडर और ओवर ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरचार्ज की बात हो रही है, यहाँ पर अंडर की। रीड कर, नोट सेंड बाय दी सेलर किसको दे रहा है? बायर को। वो कह रहा है रेक्टिफाई कर लो, चेंज कर लो, ओरिजिनल इनवॉइस में आपने क्या कर दिया है? अंडर चार्ज कर दिया। ठीक है, बढ़ते आगे। देन क्या लिखा है बच्चों? फ्रिजल लिखा है बच्चों, कुछ नहीं है, शॉर्टकट है ये लिखा है, शॉर्टकट, ये कोई वर्ड नहीं है ना, ये शॉर्टकट है, इसका फुल फॉर्म में लिखा है। सी फॉर क्रेडिट, आर फॉर रेटिंग, आई फॉर इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है, इट इज एजेंसी सेटअप बाय द अप्रैल, अप्रैल में सेटअप की थी ये एजेंसी। ठीक है, चलिए, तो ये शॉर्टकट है और कुछ नहीं। क्राइसिस, क्राइसिस शॉर्टकट नहीं, ये वर्ड है। ये क्या बोलता है? कोई भी संकट आना, कोई भी प्रॉब्लम आना, प्रॉब्लम या फिर कोई भी डेंजर आना। ठीक है, क्राइसिस मतलब क्या होता है? रैकलेस हेवी शॉर्ट सेल लीडिंग बच्चों, इंग्लिश मीनिंग मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम आना, डेंजर सिचुएशन आना। तो बिजनेस में डेंजर सिचुएशन कब आती है? जब जब क्या होता है बच्चों? शॉर्ट सेल लीडिंग अनड्यूली, है ना, डिप्रेस प्राइस, बहुत ही कम बिक रहा है बच्चों। लॉकडाउन में, लॉकडाउन में हो ही रहा है, बहुत कम बिक रहा है, प्राइस एकदम मरा हुआ मिल रहा है। ठीक है, सिचुएशन ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज आगे मतलब शेयर्स की प्राइस को लेके बोला जा रहा है। ठीक है, शेयर्स की प्राइस को मैं प्रोहिबिटेड शॉर्ट सेल, सरकार ने बिल्कुल बोल दिया कि भैया आपका, है ना, इतना मिनिमम प्राइस होगा, इतने में ही सबको खरीदना बेचना पड़ेगा।
तो क्राइसिस आ गया, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज ने साफ साफ बोल दिया आप इतने से ज्यादा बेच नहीं सकते हैं, लिमिट तय कर देना, दैट वॉज प्रॉब्लम। ठीक है, सही। नेक्स्ट क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन। बच्चों क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेना मतलब कि सामने वाला, मैंने पूछा आपकी एज कितनी है, मैंने आपसे पूछा आपकी एज कितनी है, आपने बोला दीदी मेरी एज है 20 ईयर्स, मैंने कहा ठीक है आप अपने थोड़ा डेट ऑफ बर्थ बताना। अब आप डेट ऑफ बर्थ बताओगे बच्चा, अगर आप झूठ बोल रहे हो अपनी एज तो एकदम से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आपकी एज भले ही 18 हो, आपकी एज 15 हो, है ना, डेट ऑफ बर्थ बताने में अब आप सोच में पड़ जाओगे, तो डेट ऑफ बर्थ शायद आप सही निकाल लो या तो गलत हो, तो इस तरीके से क्रॉस चेक कर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चनिंग बाय अ पार्टी और अ अटॉर्नी ऑफ द एडवर्स पार्टी और अ विटनेस, है ना, क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो लॉयर अक्सर करता रहता है ना कचहरी में खड़े इंसान से, चाहे वो अब कोई भी पार्टी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, CRR, ये भी शॉर्टकट है, ये भी क्या है, शॉर्टकट है CRR, लेकिन ये हमने सुना है कैश रिजर्व रेशियो, है ना, पढ़ा है बचपन में, लेटर में RBI, है ना, नोटिफाइड बाय द RBI, RBI सेट करती है टाइम टू टाइम इंडिकेट रिजर्व द कमर्शियल बैंक टू सेट अप पार्ट ऑफ द मेजर ऑफ द सिक्योरिटी, कितना सिक्योरिटी में रखना है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। RBI के पास कुछ अपनी लाइफ, चलिए ठीक है, तो CRR कुछ नहीं, कैश रिजर्व रेशो है, ये एक रेशो होता है, RBI डिसाइड करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, RBI साफ साफ बोलता है बैंक आपको इतना पैसा मेरे पास सबमिट करना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए देन क्या लिखा है बच्चों, करंट एसेट, करंट एसेट सेम एज शॉर्ट टर्म एसेट। ठीक है, ये सब जो भी कॉमन सारे टर्म्स है सब सुने हुए टर्म्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है करंट डेट, तो करंट डेट रेफर शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी रेफर शॉर्ट एंडेड जो ऊपर बताया, डैमेजेस, डैमेजेस मतलब जो भी आपका नुकसान हुआ आप उसकी भरपाई करवाना। ठीक है, तो जो भी मेरा नुकसान हुआ आप पे करना। कंपनसेशन कोर्ट देता है जब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है जिस कारण से सिविल लिटिगेशन, मेरा और खुशबू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने ब्रीच कर दिया, अब खुशबू को नुकसान हुआ, खुशबू को डैमेजेस हुए, तो कोर्ट में जाकर वो उस डैमेजेस के खिलाफ कंपनसेशन मांगेगी। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डे ऑर्डर, ये डे ऑर्डर क्या होता है, एक ऑर्डर है, ये क्या है बच्चों, एक ऑर्डर है, ऑर्डर विच रिमेन वैलिड फॉर द डे, डे ऑर्डर है मतलब ऑर्डर जो कि बस एक दिन के लिए वैलिड है, इट इज एंटर्ड अनलेस मैच इट इज ऑटोमेटिकली कैंसिल एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग। डे ऑर्डर, एक ऑर्डर दिया जाता है और ये ऑर्डर एक ही दिन का होता है, दिन खत्म है ना, ऑर्डर भी खत्म। जैसे मैं बोलूंगी आज तक, आज जल्दी से फटाफट नोट ले लो, अगर आज ले लिया बढ़िया, कल से आपको नोट नहीं मिल पाएंगे, कल से लॉकडाउन लगने वाला है, तो भैया दिन खत्म ऑटोमेटिकल आप नहीं ले पाओगे। क्लियर बच्चों? यस मैम। डिबेंचर बच्चों कॉमर्स कवर्ड है, इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी थ्रू विच कंपनी है ना बोरिंग करके लोन लेती है पब्लिक से, पब्लिक इंस्टीट्यूट से, बैंक से, जैसे भी लेना। ठीक है, एक डेट डिसाइड होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका और कब रिडीम होगा, ये सारी चीजें लिखी होती है। चलिए डेबिट नोट पढ़ चुके हैं, डेट एंड इक्विटी बच्चों समझावा, ये भी डेट एंड इक्विटी सम ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, दिस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल एसेट। चलिए डेट फाइनेंसिंग, बच्चों पैसे की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है, फाइनेंस करा रही मतलब उधारी ले रहे हो। व्हेन यू बोरो मनी फ्रॉम द लेंडर एंड एग्री टू रिपे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेगुलर पेमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम यूजिंग अ डेट फाइनेंसिंग, वापस से मुझे पैसे की जरूरत है, मैं कंपनी हूँ, मैं कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी पैसे का जुगाड़ कैसे कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है। डिबेंचर इशू किया मतलब क्या, उधारी ले ली। क्लियर है बच्चों? तो ये यही कह रहे कि जब आप जनता से, जब आप है ना आपका पैसे का जुगाड़ फाइनेंस आप जो करवा रहे हो वो उधारी वाले है ना चीजों से करवा रहे हो, और आपने बोल दिया प्रिंसिपल अमाउंट इतना पे करूंगा, इंटरेस्ट इतना पे करूंगा, ठीक है, तो ये होता है हमारी क्या, डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, चलिए ये लिखा है डेट फाइनेंसिंग इंक्लूड, आप बैंक से भी ले सकते हो है ना, बिजनेस क्रेडिट कार्ड लाइन, पर्सनल लोन, ये सब क्या होता है, ये सब एग्जांपल्स दे रखे हैं डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, चलिए मेथड क्रिएटिंग डेट मस्ट बी, आपको रिपे तो करना ही पड़ेगा, सोल कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस। नेक्स्ट बच्चों क्या लिखा है बच्चों, डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स। कुछ बोल रहे हो बेटा? मैम आज के लिए ठीक है, चलो अभी अपन रोक ही देते बेटा, है ना, लाइट यू है।